कहां कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नील चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों मेरा नाम जयकांत त्रिपाठी, तकरीबन यहां से 1000 किलोमीटर दूर सतना जिले के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ था। आज भी वहां पे केवल 50 परिवार रहते हैं। मेरे दादाजी कहा करते थे कि एक कहावत है ना कि वीरवान पाद के गोद चीखने पाद, ऐसे कुछ कहा गया था उन्होंने, तो हमेशा मेरे सुनाया करते थे और मालवा की हमेशा तारीफ किया करते थे कि मालवा ऐसा है मालवा वैसा है, वो आया करते थे। तो बचपन में हमारे दिमाग में एक चीज बैठ गई थी कि कभी भी मालवा जरूर जाएंगे, और मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि अहिल्या बाई नगरी ने मुझे वो सब कुछ दिया है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और हमारी कंपनी की जो शुरुआत इसी पावन नगरी से स्टार्ट हुआ है। तो एक बार मैं आप सभी को सभी से उम्मीद करता हूँ कि जोरदार तालियों से इस पावन नगरी को और डीएचएल को उसकी शुरुआत को जाना चाहूंगा। तकरीबन 1973 में मेरा जन्म हुआ उस गांव में, और 73 में 74 में पापा जी शहरों लाए हुए थे। हमारी जो फैमिली है बहुत गरीब फैमिली थी, पापा जी का एजुकेशन केवल 5वीं था और दादाजी जो एक छोटे से किसान थे, उन्होंने प्रूफ किया जब वो छोड़ के घर छोड़ के जब शहडोल आए, शहडोल में बसे, उन्होंने अच्छे संस्कार दिए और अच्छा नाम उन्होंने अचीवमेंट किया, और उन्होंने कार्य को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, कर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। आपकी योग्यता आपकी शिक्षा क्या है ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, मायने रखता है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, वो कभी भी आपको नहीं रोकती है। देन हमें वो शहरोल लेके आए सतना से, यहाँ एजुकेशन हमारा हुआ, पढ़ाई के साथ साथ परवेश का बहुत बड़ा असर पड़ता है दोस्तों। जब शुरुआती दौर पे हम रह रहे थे वो बहुत ही गरीब इलाका, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, जब शहरोल में रह रहे थे तो अजीब अजीब से दोस्त आना, अजीब से लोगों के साथ संबंध, कभी भी एक दूसरे के बारे में अच्छा नहीं सोचना, ये बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था। लेकिन 1984 में शहरों का एक हिस्सा है, आप कुछ लोग जानते होंगे पांडव नगर, वो एजुकेशनल हब के लिए पूरा जाना जाता है। जब वहाँ